ब्यावर विधानसभा में शनिवार को नामांकन प्रक्रिया में तेजी दिखाई दी। वहीं शनिवार को भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। कांग्रेस के प्रत्याशी पारसमल जैन तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर सिंह रावत ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया। दोनों प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया और भारतीय जनता पार्टी से भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत अशोक पैलेस से हज़ारों की तादाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस बीच विधायक शंकर सिंह रावत का जगह जगह स्वागत भी किया गया। नामांकन के मौके पर जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत, ब्यावर सभापति नरेश कनौजिया, देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर बूदरा, सरपंच महिपाल सिंह प्रतिपाल सिंह, रंजीत गोरा, चतर सिंह गुड़ाद, कैलाश सुहावा, कमल टाडा, रामचंद्र जाट, भाजपा नेता लेखराज तथा ब्यावर वे ग्रामीण क्षेत्र से कई कार्यकर्ताओं ने विधायक शंकर सिंह के नामांकन के दौरान भाग लिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच ने अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत शनिवार को सुबह 11:30 बजे मेवाड़ गेट स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नामांकन के लिए प्रस्थान किया। नामांकन रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहरी और ग्रामीण नागरिकों ने भी शिरकत की और बालिया क्षेत्र से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यकर्ता उत्साह के साथ नाचते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नामांकन रैली में नारे लगा रहे थे। वहीं मेवाड़ी गेट से प्रारंभ हुए काफिला का जगह जगह स्वागत किया गया। महावीर बाजार के व्यापारियों ने पारस पंच का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं शहर के तेलियान चौपड़, सुनारान चौपड़, भैरूजी के खेजड़ा, पांच पत्ती, फतेहपुरी चौपड़, अजमेरी गेट, सुभाष चौक इत्यादि जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं रैली में कांग्रेस की एकता भी झलकती नजर आई। उपखंड कार्यालय परिसर पर शुभ मुहूर्त के अनुसार 2:55 पर कांग्रेस के प्रत्याशी पारसमल जैन, अपनी पत्नी मंजू जैन, अधिवक्ता रामस्वरूप सेवलिया, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक राखा, जवाजा ब्लॉक अध्यक्ष धर्मन सिंह के साथ नामांकन किया। ब्यावर से प्रकाश भाट की रिपोर्ट। हर बार 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 भाई साहब हाथ कैसा हो शंकर सिंह जैसा हो रिकम जी का रिकम जी भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे राजस्थान में चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के दरमियान ब्यावर विधानसभा से मैंने शंकर सिंह रावत ब्यावर से फार्म हमें भरा है। ये भारतीय जनता पार्टी की कृपा है। हमारे राष्ट्रीय लीडर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और जितने भी जो राष्ट्रीय लीडर है उनकी कृपा से और स्थानीय लीडर मैडम वसुंधरा जी और सभी स्थानीय लीडर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय सी पी जोशी जी और आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ जी, गजेंद्र सिंह जी और सब जितने भी जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं और प्रदेश के लीडर हैं उन सबकी मेहरबानी से सर्वे हुआ। सर्वे में उन्होंने अच्छा और सोच करके और फिर वापस जो है मुझे दूसरी बार टिकट दिया है। मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित तौर के ऊपर जैसे उन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास को खरा उतारने के लिए निश्चित इस सीट को अच्छे मोटों से लीड से लेकर के आने के लिए प्रयास करूँगा। मेरे सभी भाई बहनों से और मगरे के क्षेत्र के ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के 36 जात के भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ कि 15 साल आपके बीच में मैंने निकाले और आपके सहयोग से मैंने कभी भी आपके मत के ऊपर किसी प्रकार का दबा लगाने की कोशिश नहीं की। चाहे चरित्र का मैटर हो, चाहे भ्रष्टाचार का मैटर हो, अन्य कोई भी प्रकार का मैटर हो, मैंने हमेशा गरीब की मदद करने का काम किया है और कभी किसी प्रकार से आपके वोट के ऊपर किसी प्रकार का दबा लगाने का मैंने कोशिश नहीं की। जिस प्रकार कर्मचारी और अधिकारी 50% से ज़्यादा लोग हमारे क्षेत्र से कर्मचारी अधिकारी हैं उनमें भी किसी प्रकार का ट्रांसफर का जो उद्योग लगता है मैं उससे भी काफ़ी कोसों दूरी बनाए रखी है। हमें से निश्चित तौर के ऊपर हमारा जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो सुख शांति से रहे और मेरे यहाँ आकर के किसी प्रकार की वो अब मेरी हेल्प की इंतजार के लिए कभी आए तो मैंने बिल्कुल निःशुल्क हमेशा उसकी चाय भी जूता पिला करके मैं
हमेशा उसकी डिजायर लिख करके उसका मदद करने की कोशिश की है। हर किस प्रकार का जनता के सहयोग से, अब कुछ लोग बोलते हैं 15 साल में क्या किया, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, आंखें खोल के देखिए, ब्यावर के चारों तरफ सबका का जाल बिछा है, ये सब विकास नहीं तो क्या। आज राजस्थान के अंदर ब्यावर पहला विधानसभा क्षेत्र है जो शंकर सिंह के बनने के बाद हर गांव और ढाणी, जो टाटगढ़ तक के गांव और ढाणी तक बिशनपुर का पानी पहुंच रहा है, ये राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र है। एक का मतलब सिटी वालों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में पहला विधानसभा है जिसके अंदर हर गांव और ढाणी के अंदर बिशनपुर का पानी पहुंचता है। ये यहाँ के मतदाताओं का आभार है, उन्होंने धरना प्रदर्शन दो दो बार जयपुर तक हमें पद यात्रा में सहयोग दिया, हमारा हिम्मत बढ़ाई हमारी, इसके कारण वो सारे ये ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और ढाणी में बिशनपुर का पानी पहुंच रहा है और ब्यावर जिला बना है। ये जिला भी उन लोगों की, सबके यहाँ के मतदाताओं की और उनकी हिम्मत से मुझे वोट दिया और धरना में उन्होंने सबने सहयोग किया, उनकी हिम्मत के कारण ये जिला बना है। तो ये बधाई के जिले के और जल के लिए बधाई के पात्र ये यहाँ की हमारी 36 जात के भाई बहन और इन लोगों ने जिला बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने जिला बनाया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। ये विकास यही है और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ ब्यावर जिला बना है और आने वाला शासन में निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ में बनेगी, राजस्थान की सब सीटें जीत के आएगी और सरकार बनने के बाद निश्चित तौर के ऊपर ब्यावर का आज तक कभी विकास नहीं हुआ ऐसा उठाव ब्यावर का आएगा, नया नक्शा रचा जाएगा और ब्यावर ब्यावर कहलाएगा। धन्यवाद। जिंदाबाद सचिन पायलट, जिंदाबाद भारत पंच, जिंदाबाद भारत पंच, जिंदाबाद भारत पंच। कांग्रेस प्रत्याशी श्री पारस जी जैन पंच साहब एसडीएम ऑफिस से बात कर रहे हैं। कांग्रेस को फॉलो कर दो, सारी फोटो सब ले लो आराम से। पांच आदमी यहाँ पे कोई भी नहीं है। अरे अजय भाई, अरे ब्लॉगर जी टीवी है, फोटो ब्लॉगर जी, सुनो एक मिनट रुको, एक मिनट दो, अरे व्यवस्था है, व्यवस्था ना कायम रहा, अरे अंदर ले क्यों। पुलिस कमिश्नर द्वारा आज मुझ पर दूसरी बार विश्वास जताया गया है, उनके आदेशों की पालना करते हुए आने वाले 5 साल तक विधायक बनने के बाद पूरे 5 साल तक ब्यावर शहर का विकास कराऊंगा। ब्यावर शहर के विकास में 4 चांद लगवाऊंगा जो पिछले 15 साल से अवरुद्ध पड़ा।